पे ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ हो गया है, उसके बाद कृष्णा को कुछ एक्टिविटीज मिली थी स्कूल की तरफ से, जैसा कि आजकल जो है पढ़ाई वो ऑनलाइन चल रही है, तो कुछ फन एक्टिविटीज मिली थी जिससे कि बच्चे बोर ना हो और घर में वो काफी इंटरेस्ट के साथ अपने काम को कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पे कृष्णा को कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज मिली थी, कलरिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह करना, इस तरीके की पल्सेस थी अलग अलग, तो उसमें कुछ मैथमेटिक्स का काम मिला था जिसे वो अलग अलग उसे पेस्ट करना था, तो काफी इंटरेस्ट के साथ वो ये काम कर रहा था। जब से उसे पता चला तो वो सुबह ही सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद यहाँ पे ये करने लगा कि मम्मा मैं करूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब वो बोल रहा है तो मैं उसको टालती नहीं हूँ चीज को और उसको करा देती हूँ, क्योंकि उसका मन था। तो यहाँ पे मैंने उसे पल्सेस वगैरह निकाल के दे दिए और वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये कर रहा था, क्योंकि आजकल बच्चे घर में बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छी एक्टिविटीज हैं कि बच्चे घर में बोर भी नहीं होंगे, मम्मा पापा को थोड़ा परेशान भी कम करेंगे और अपने काम भी अच्छे से करेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज अगर आप चाहें तो आप भी अपने बच्चों को करा सकते हैं, इससे बच्चे की जो जो भी चीजें होती हैं वो उसको रिवाइज भी करता रहता है और बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है स्टडी में। काफी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है 4-5 मंथ्स हो चुके हैं बच्चों की स्टडी एकदम बंद पड़ी हुई है, बट कृष्णा की ऐसी नहीं है, कृष्णा की तो ऑनलाइन जो है वो चल रही है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि दिन में जो है वो मैं किसी रीजन की वजह से ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो थे मुझे कुछ सामान लेना था तो उसकी वजह से मैं बाहर मुझे जाना पड़ा। मुझे लगता है मैं 4 महीने बाद या 6 महीने बाद आज पहली बार निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा जब मैं बाहर गई हूँ इतने दिन बाद तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करा जाए बाहर में क्या इस टाइम पे है। तो बाहर इस टाइम पे लोग ज्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक ठाक लोग दिख रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ जैसे जिस हिसाब से एक चहल पहल होती थी तो वो नहीं थी। बहुत दिन से मंदिर के दर्शन भी नहीं किए थे तो मैंने कहा चलो इस तरीके मंदिर भी के दर्शन भी कर लेते हैं, मंदिर बंद हो चुका था वैसे तो मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट, कुछ मुझे किचन के लिए लेकर आना है, तो मैं क्या लेके आई हूँ क्या क्या लेके आई हूँ वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए आप लोग जब तक यहाँ से घर पे बैठे विशाल मेगा मार्ट का टूर करिएगा, मैं घर पहुंच के आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी किचन की शॉपिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग तो शुरू कर दिया था बट किसी रीजन की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या है ना, एकदम से ना हेड पेन होने लगता है, हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है, और जब सर दर्द वगैरह होता है ना तो फिर कंटिन्यू करने का मन नहीं करता। बट फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया बीच में, फिर मैं सीधा इवनिंग में गई थी, बहुत ज़्यादा जरूरी मुझे कुछ चीज़ें लेके आनी थी। मैं काफ़ी दिन से, मतलब मैंने जैसे बताया, मैं 4 महीने 5 महीने बाद शायद से निकली थी, मुझे लगा कि जाना चाहिए, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, कृष्णा को तो लेके हम लोग नहीं गए थे, और अभी बच्चों को लेके बाहर जाना भी नहीं चाहिए, उस तरीके की सिचुएशंस नहीं है। और जो थोड़े बहुत स्टोर्स वगैरह खुल गए हैं वहाँ पे तो थोड़ी बहुत भीड़ होती ही होती है, क्योंकि मोस्टली लोग निकलते हैं ग्रॉसरी का शॉपिंग लेने और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करने, जो घर की जरूरी चीज़ें होती हैं। लोग भी आजकल कोई ऐसा, पहले होता था कि चलो शॉपिंग करने निकलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम को लेके हम लोग निकलते थे, लेकिन आजकल ऐसा मैंने नहीं देखा है, मतलब जरूरी चीज़ें जो हैं वो लेके आ रहे हैं। बट मेरे को भी कुछ ज़रूरत ही थी तो मैं लेकर आई हूँ, उस पर भी इतना सारा मतलब बोल दिया कि तुम यही खरीदती हो ये वो, क्या ज़रूरत है। बट जो आई थिंक, मुझे लगता है कि जो लेडी किचन में रहते हैं काम करते हैं उन्हें पता चलेगा ना कि क्या चीज़ें ज़रूरत की है और क्या चीज़ें ज़रूरत की नहीं है। तो बहुत दिन से बहुत चीज़ों की एक ना ज़रूरत पड़ रही थी उन चीज़ों की, तो मुझे लगा चलो बाहर भी निकल लेते हैं, थोड़ा घर में रहते रहते माइंड भी थोड़ा सा यू नो फ्रेश हो जाएगा। तो इस वजह से मैं गई थी बाहर विशाल मेगा मार्ट। तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं लेके आई हूँ, थोड़ा बहुत लेके आई हूँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, और अच्छा था, सभी लोग जो है रूल रेगुलेशन में थे, कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। ऑटोमेटिकली लोग, अगर हम ये सोचें कि हम मतलब डिस्टेंस बना के रहते हैं लेकिन जो सामने वाला है वो भी
इस चीज को समझने लगा है कि हाँ हम लोगों को डिस्टेंस बना के रहना चाहिए या हमें प्रॉपर लाइन में खड़ा होना चाहिए, बिलिंग करनी चाहिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो हमारे नियर बाय विशाल मेगा मार्ट है, मतलब छोटा नहीं है, काफ़ी है, मतलब 5-6 मतलब मंजिल का है, मतलब 5-6 उसमें वो बने हुए हैं सेक्शन, हर चीज़ का सेक्शन है, ग्रॉसरी का भी है, किचन से रिलेटेड भी है, गर्ल्स का, बॉयज़ का। उसका ऑलरेडी मैंने मतलब टूर भी दिया हुआ है, विशाल मेगा मार्ट का मैंने टूर भी दिया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो वो उसका लिंक आप देख लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो वहाँ पे गए थे तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मतलब लोग समझने लगे हैं, कुछ लोगों की वजह से सिचुएशन तो एक्चुअली दिल्ली के भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जैसे कि कंडीशन चल रही, बट हाँ कुछ लोगों की वजह से ये इतना ज़्यादा कुछ बढ़ भी रहा है, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो मास्क भी नहीं लगाए थे, उन्हें कोई सोशल डिस्टेंस का कुछ नहीं था, मतलब लग ही नहीं रहा था उनको कि कुछ ऐसा है, और कुछ लोग तो अभी भी कुछ नहीं है सही हो जाएगा, मतलब इस तरीके का। चलिए वो सारी बातें छोड़ते हैं, आप लोग बस अपना ध्यान रखिए, अपने अपने घरों में रखिए, बहुत ज़रूरत की चीज़ है तो घर से बाहर निकलिए, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की, मुझे तो ऐसा लगता है। तो बस अभी जस्ट मैं आई हूँ और थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ उनको मैंने अच्छे से सैनिटाइज वगैरह कर दिया, उनको अच्छे से वॉश कर दिया, जो धुलने वाली चीज़ें थी उनको धुल दिया है। आई थिंक मुझे आए हुए 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, फिर मैं ये आप लोगों को मैंने कहा शॉपिंग दिखा देती हूँ थोड़ी बहुत। बहुत दिन से आप लोगों के साथ कोई शॉपिंग भी शेयर नहीं करी, बहुत दिन से बाहर भी नहीं गए हैं, बाहर तो आज मतलब मान लो इस साल जाना तो बहुत कम ही होगा, वरना इस टाइम तो हम लोगों का प्लान मोस्टली बनता था, हम लोग कहीं बाहर जाते थे, घूमने जाते थे, बट इस साल तो सब कुछ टाइट टाइट फेस है, बस घर में ही है, घर में ही रहना है। तो फर्स्ट तो मैं ये 2 ऑर्गेनाइज़र लेके आई थी, और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र आए हुए थे, ये 2 लेकर आई थी मैं इस तरीके के, एक ये ग्रे कलर का है और एक ये ब्राउन कलर का है, काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है काफ़ी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। मुझे अपना ड्रेसर जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़ करना था, तो मैंने सोचा चलो ये 2 ले लेती हूँ, मुझे अच्छी क्वालिटी के लगे, और 39 रुपीज़ का मिला है ये पर पीस, 39 39 दोनों, तो काफ़ी अच्छे थे। तो मेरे ड्रेसेस मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो दिखाऊँगी, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से स्पेस है ना, कोई भी चीज़ अच्छे से इसमें आ सकती है। तो ये 2 मैं लेकर आई थी 39 39 रुपीज़ के, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिले थे। एक्चुअली मैं गई थी हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड के साथ जाने के बाद मुझे लगता है औरतें लोग बहुत कम होती होंगी जो शॉपिंग कर पाती होंगी, क्योंकि उन्हें लगता है इसकी क्या ज़रूरत है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, तो अब उनको क्या बताएं कि क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं नहीं लेके आई हूँ, और कई भी उनके साथ थी, वैसे तो ये था कि अकेले चले जाते थे, जो मन आता है वो ले लेते हैं। मुझे लगता है ना सभी औरतों को ऐसी चीज़ें लेने का बहुत मन करता है, आप लोगों में से कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई ऑर्गेनाइजर्स वगैरह लेना हो, या किचन से रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड। और इसी में एक ये फेंटने वाला लेकर आई हूँ, इससे काफ़ी अच्छे से फिट जाती है कोई भी चीज़, तो मुझे ये भी एक यूज़फुल लगा। आई थिंक ये भी मैं 39 या 40 रुपीज़ का ही लेकर आई हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब यूज़फुल चीज़ है। तो एक ये लेकर आई थी 39 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छे से कोई भी बैटर वगैरह है ना अगर हमें फेंटना होता है तो काफ़ी अच्छे से फिट जाता है इससे, तो एक ये लेकर आई थी। उसके बाद बहुत दिन से मग जो थे वो सारे टूट चुके थे, मोस्टली सारे टूट चुके थे, और विशाल गई थी, ठीक ठाक कलेक्शन था, मुझे कलेक्शन अच्छा नहीं लगा, तो ये 2 मुझे अपने किचन के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरी किचन की थीम है, तो मुझे ये 2 कप अच्छे लगे थे, 1 कप और है, तो ये 2 कप मैं लेकर आई हूँ, और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थे, आई थिंक 40 या 50 रुपीज़ के थे, आई थिंक 50 या 60 रुपीज़ के थे। एक्चुअली मैंने वॉश किया ना तो इसके पीछे के लेबल जो थे वो हटा दिए हैं, तो ये मैं 2 लेकर आई थी, तो 3 लेके आई हूँ, एक रखा हुआ है मैंने वो लेके नहीं आई, मैंने कहा सेम ही है तो फिर क्या लेके आना, तो ये 3 लेके आई थी। एक्चुअली आदत है हम लोगों की मग में चाय पीने की, तो छोटे कपों में पी नहीं जा रहा था, और कप जो है वो मोस्टली टूट जाते हैं, मेरे से तो बहुत टूटते हैं वॉश करते टाइम पे, स्पेशली मैं जो है कांच के बर्तन वगैरह मिक्स नहीं करती हूँ और बर्तनों में, और उनको पहले साफ करके रख देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो कप गिर जाते हैं और वो टूट जाते हैं। तो 2 ये लेके आई हूँ 50 50 रुपीज़ में, 40 या 50 मतलब मैं अभी लेके आई हूँ, अभी भी मुझे याद नहीं है, और मैंने वो पता नहीं लिस्ट कहाँ रख दिया है, 40 रुपीज़ के शायद, या 50 रुपीज़ के लेकर आई हूँ। ये 2 अच्छे लग रहे हैं ना, बताना ज़रूर कैसे लग रहे हैं। तो 2 ये मग लेके आई थी,
और एक ही लेकर आई थी मैं, मुझे बड़ा सा मिक्सर मिक्सिंग बाउल चाहिए था, एक ही मुझे मिला और मेरे को और भी लेने थे बट मुझे एक ही इतना बड़ा साइज का मिला एक मिक्सिंग बाउल। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी स्पेस भी है और मुझे ऐसे एक दो और भी चाहिए बट अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैं ये लेकर आई हूँ। छोटे छोटे वाले मिल रहे थे लाइक मैगी वगैरह पास्ता वगैरह वाले जो सूप वाले होते हैं वो, मुझे इस तरीके के बड़े वाले मिक्सिंग जार चाहिए थे तो अभी तो फिलहाल मैं एक लेके आई हूँ और इसका प्राइस है 79 रुपीज़। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसका प्राइस था 79 रुपीज़। ये भी काफ़ी अच्छा है और प्यारा भी लग रहा है ना, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है तो एक मैं ये लेके आई हूँ। एक्चुअली एक और डिज़ाइन था वो भी अच्छा लग रहा था बट मैंने ये वाला ना यूज़ नहीं किया तो मुझे लगा पता नहीं ये कैसा निकलेगा तो एक पहले थोड़े दिन यूज़ करके देख लेती हूँ उसके बाद फिर दूसरा ले आऊँगी। तो ये एक लेकर आई थी 79 रुपीज़ का। तो फिलहाल तो ये थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे कि मैंने बताया मैं गई थी हस्बैंड जी के साथ तो हस्बैंड लोगों के सामने उनको ये वाली शॉपिंग उन्हें समझ नहीं आती है, उनको शॉपिंग ग्रॉसरी से रिलेटेड कोई भी होती है, मेरे हस्बैंड के साथ तो यही है कि ग्रॉसरी से कोई रिलेटेड होगी तो उसमें वो आपका पूरा साथ देंगे कि आप ये ले लो ऐसे ले लो वैसे ले लो, बट और एज टू रिलेटेड कि घर से क्या चीज़ें लेनी है या तुम्हारे कपड़ों में तुम क्या ले रही हो वो कुछ नहीं। टी शर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिल रही थी, लोअर्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल रहे थे विशाल मेगा मार्ट में, आई थिंक हर जगह विशाल मेगा मार्ट में अच्छा मिल रहा होगा, आपके यहाँ पे हो तो वो भी शेयर कर देना, मैं तो अपने यहाँ का शेयर कर रही हूँ। तो टी शर्ट्स वगैरह और लोअर वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे लेने थे बट वो मैं किसी आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिलहाल मैं लेके नहीं आई हूँ। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि 9 बजे तक बंद हो जाता है और हम ऑलरेडी मतलब 8:30 बजे या 8 बजे हम लोग घर से निकले थे तो घूमने में देखने में काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। सो दैट्स इट, यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा शॉपिंग। और आप लोगों में से किस किस के हस्बैंड जो हैं घर की चीज़ जब आती है तो बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, कुछ कहते नहीं है वैसे, चिल्लाना विल्लाना कुछ नहीं होता बट हाँ क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत थी इसकी, इस तरीके से, इस तरीके की क्वेश्चन कौन करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस आज का एक छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए मैं